भी बड़े पुराने ही पुराने से घर नहीं है कुछ, और नीचे रामगंगा नदी भी है। रामेश्वर घाट है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। और आज देखिए कितनी अच्छी धूप आ रखी है। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दिन के 12 बजे से, और सुबह तो बहुत कोहरा था और अभी हल्की हल्की सी धूप आई है। और आज हमें जाना है पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ जा रहे हैं बिहान में और इसके पापा, तो आपको मैं रास्ते का व्यू दिखाते हुए चलूँगी और आज कैसा मौसम हो रहा है वो भी दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए हल्का हल्का सा मौसम खुला है, अच्छे अच्छे से बादल लग रहे हैं। गाइस हम निकल गए हैं अपने बिहान को, देखो दीहो इतना शांति हो रहा है, इसको नींद भी नहीं आ रही आज। सही लग रहा है ना आज मौसम, धूप भी आ गई है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गंगोली हाट के रूट से, गंगोली हाट के रास्ते का सीन है, मतलब हाट काली का मंदिर फिर जाएंगे हम आज। कितना घना सा जंगल है, गंगोली हाट पहुंचने वाले हैं। और विहान तो सो चुका है अभी, तो हम आजकल रोड से ही हो गई है। ये देखिए गाइस ये है महाकाली का गेट, ये देखिए यहाँ से नीचे को जाते हैं हाट काली का मंदिर में। अभी तो हम जा नहीं सकते हैं वहाँ पे क्योंकि हम पिथौरागढ़ जाना है अब, लेकिन जल्दी ही आपको हम काली का मंदिर के दर्शन करवाएंगे। वहाँ पे जाना है, विहान को लेके जाएंगे पहली बार, तो फिर आपको दिखाएंगे हाट कालिका का मंदिर। और यहाँ पे इस बार तो बहुत सारे मेरे दोस्त भी आए, और सारे दोस्त लोगों ने जब चले गए उसके बाद बताया कि हम यहाँ रखे करके। तो गाइस आपको यहाँ की मार्केट दिखाते हैं, ये आपके बैंक का रास्ता ना, तो गाइस ये है यहाँ का छोटा वाला गेट। यहाँ से जाते हैं पैदल, जो पैदल जाते हैं इस साइड के लोग यहीं से जाते होंगे हाट कालिका के मंदिर में। तो ये है मार्केट यहाँ की, आपको याद तो नहीं आ रही है यहाँ की, नहीं आ रही है, अच्छा नहीं लगता था आपको यहाँ, तो याद क्या है यहीं पे हम अभी है याद है। नहीं मतलब यहाँ के दिन याद नहीं आते तुम्हें? आते हैं, आते हैं। तो देखिए ऊपर अभी फिर से काले बादल आने लग गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले धूप आई थी और फिर से काले बादल आ रहे हैं। ये देखिए गाइस कितना अच्छा सा गांव है, और यहाँ पे घर भी बड़े पुराने ही पुराने से घर नहीं है, कुछ कुछ है मतलब नई टाइप के, ये तो सब पुराने। ये कोठीर है, सिमलकोट कहाँ है भाई? सिमलकोट तो पैदल जाना पड़ता है, गेरी मम्मू का वो है वो सिमलकोट। अच्छा ये कोठीरा इसको बोलते हैं, अच्छा इतने पत्थर और ऊपर से पहाड़ी।
लेकिन इसको अच्छे से प्लेन बनाते तो यहाँ पे बन सकता था, फील्ड नहीं बन सकता था। अच्छा है लेकिन यार लोकेशन भी बड़ी मस्त है। हमारे विष्णु उठ चुके हैं। कौन है वो, कैसे देख रहा है यार? तो ये भी उठ चुके हैं। हमने गंगोली हाट को पार कर लिया, देर यहाँ पे रुक गए थे और आपको यहाँ पर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ नीचे एक सुंदर सा गांव है, वो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ नीचे है ये देखिए, और नीचे रामगंगा नदी भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ की वो है चौनाला, वो और चौनाला ही बाबू। चौनाला से कहाँ जा रही हो? बुरसम गांव कह रहे हैं। बुरसम गांव कहाँ? यही होगा क्या बुरसम गांव? ये वहाँ को गई रोड। तो ये कौन सा गांव होगा? ये बुरसम डमडे गांव होगा। ये होगा डमडे, डमडे सर, डमडे का स्कूल है शायद, वहाँ है कहीं वो है शायद। वो कहीं यहीं तक जा रही होगी यार ये रोड, वो नीचे जा रही, नहीं देख रहे हो? हाँ फिर यहीं तो हुआ थे मर्डर वो। तो गाइस ये है चौनाला, बुरसम गांव और डमडे वाली रोड है जो नीचे को जा रही है, वो दिख रही है रामगंगा नदी वहाँ पे। ये कितना पानी आ रहा है ना। विष्णु विष्णु विष्णु। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है गोलजू की कितनी बढ़िया सी मूर्ति है, और अभी हम पहुँचे हैं डूनी और यहाँ पे है भंडारी गोलजू का मंदिर। जय भंडारी गोलजू, जय गोलजू। देखो गोलजू का मंदिर, मंदिर गोलजू का। इसको पकड़ो ना, इसको पकड़ो ना, विष्णु को लेके जाऊं। तो गाइस अभी कर लेते हैं हम भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पे है पानी का धारा और यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा सा पानी आता है। अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे, लेकिन ये लग रहा है पेड़ भी कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा सा पानी है। यहाँ पे माता की मूर्ति भी है। ये देखिए गाइस ये है रामगंगा नदी और ये आ रही है रामगंगा नदी, और आगे दिख रहा है रामेश्वर घाट, वहाँ पर दूसरे साइड से आ रही है सरयू नदी और इन दोनों का मिलन हो जाता है रामेश्वर घाट में। अभी हम पहुँचे हैं पनार में। ये नज़ारा है एक घाट पार करने के बाद का, और आजकल यहाँ पे रोड चौड़ी हो गई है, बिल्कुल अच्छी सी रोड हो गई है, और ये वाला रोड ज़्यादातर खाली रहता है, तो हम मतलब हमें बहुत कम गाड़ियाँ मिली यहाँ से। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं गुरना मंदिर, चलो जाते हैं यार, अब आइए हैं तो उतरो, रुकते हैं दर्शन भी करके आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं। हाँ तो चलो साइड में, हम पहुँच चुके हैं अभी गुरना माता के मंदिर में, थोड़ा देर पहुँचने वाले हैं, और तो हम माता रानी के थोड़े दर्शन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस बिहान और मैंने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं और अब हम निकलते हैं यहाँ से। नौले थे यहाँ पे बहुत, कहाँ गए फिर वो नौले? ये धारा तो है यहाँ पे, देखो यार यहाँ माता रानी का वो बना रखे, कुछ तो बन रहा है यार सीमेंट का, अच्छा सा जिला पिथौरागढ़ भी लिख रखे, लग अच्छा रहा ना लेकिन। गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, पहुंच गए हैं, थोड़ा काम वाम कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे।
बाद कुछ खाया नहीं है और भूख भी लगी है, कुछ खाते हैं फिर चलते हैं। और अभी टेंट कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, उसके बाद कुछ हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। अभी शाम के 4 बज चुके हैं, हम घर से 1 बजे आए थे और धीरे धीरे आई ना, तब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, एक तो बच्चा भी था साथ में तो आराम से आई। तो अभी 4 बज गया, 4 बजे पहुँच रहे हम यहाँ पे। तो गाइस अभी तो मैं सूप पी रही हूँ, देखिए अभी मैं थोड़ा सूप पी रही हूँ, अभी हमको और कुछ मिला नहीं। अभी रोल मिले हैं बड़ी मुश्किल से, कितनी जगह घूमे कुछ खाने को मिला नहीं। सूप लेकिन बहुत अच्छा बनता है पिथौरागढ़ में, इसको देखो। विष्णु ये तुम कौन सा खा रहे हो? डबल एग चिकन। कैसा बना है? टेस्टी है। और ये वाला पनीर है। मैं तुमसे वेज कह रही थी, वैसे वेज काम है, वेज नहीं होता है। ये साग सब्जी होती है। कैसा है टेस्ट? इसको भी खाने का मन है क्या? दूं इसको पनीर? खाओ खाओ, सब चीजें खाते हैं। हाँ भैया, फिर आप कभी घूमने जाएंगे तो आप कुछ ऐसी चीजें नहीं खाते, वैसी चीजें नहीं खाते हैं, तो आप घर, अब वो घर ही छोड़ के जाएंगे हम, ठीक है? राजू है ना, तुम सही चीज लेके आए पेट भरने वाले। आगे मेरे हाथ में केला हुआ, मेरा हाथ पकड़ के अपनी ओर मुंह की ओर क्या ला रहा है? ऐसी ऐसी ऐसे मुंह की ओर जो हारो दिया। चलो सुना, कैसा हुआ? आ करो, आ चलाओ तो इसे। रोटी भी खा लिया, पनीर भी खा लिया। बनाए भी सही है, पनीर का टुकड़ा है। तो गाइज आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।